हाय फ्रेंड्स, 17 और 18 को न्यू मून है, ओके। और न्यू मून पे हम गॉडेस हिकाटे का कोई रिचुअल ना करें ऐसा हो नहीं सकता। गॉडेस हिकाटे हमारी लाइफ में जो मैराकल्स कर रही हैं, उनकी जो सक्सेस स्टोरीज हैं, अनगिनत है, ओके। हर जोन में सिर्फ एक विश के लिए नहीं कह सकती हूँ, कुछ भी मांगो, कुछ भी रिक्वेस्ट करो, अर्जेंट जो भी चीज़ें हमें मैनिफेस्ट करनी होती हैं उसमें अर्जेंट रिक्वेस्ट भी फुलफिल की है गॉडेस हिकाटे ने। और इसका प्रूफ सक्सेस स्टोरीज हैं जो ऑलरेडी मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप देख सकते हो, या फिर मैं यूट्यूब में भी डालती रहती हूँ, वहाँ पे देख सकते हो आप लोग कि कितनी सारी सक्सेस स्टोरी है, हेल्थ से लेकर के स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट करने में, जॉब मैनिफेस्ट करने में, लाइफ के छोटे बड़े इश्यूज को सॉर्ट आउट करने में गॉडेस हिकाटे ने हेल्प की है। अभी आज यहाँ पे, अब जो रिचुअल मैं यहाँ पे बता रही हूँ, जो हम 17 और 18 को करने जा रहे हैं, 17-18 दो दिन अमावस्या है, मेन वैसे तो 18 को है, लेकिन क्योंकि 17 को भी है इसलिए आप 17 18 दोनों दिन कर सकते हो, या फिर दोनों में से एक दिन कर सकते हो, या तो 17 को कर लो या 18 को कर लो, ठीक है, ये आपके ऊपर है टोटली। अगर कौन सा दिन बहुत इफेक्टिव है करने के लिए तो आप 18 को करो मेरी तरफ से, ओके। सो आई होप ये क्वेश्चन यहाँ क्लियर हो गया। इसके बाद इससे रिलेटेड कोई क्वेरी नहीं होनी चाहिए कि हम कब करें, ओके अच्छा, अभी यहाँ पे जो मैं बताने जा रही हूँ आपको रिचुअल, वो आप करोगे सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, सेल्फ लव के लिए, दूसरा ब्यूटी के लिए, अपनी खूबसूरती को एनहांस करने के लिए। ये स्पेल मैं यहाँ पे क्यों लेके आई हूँ, ब्यूटी स्पेल ही हम गॉडेस हिकाटे से रिलेट करके हम 17-18 को क्यों करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी मेरे पास काफ़ी सारे सक्सेस स्टोरी आई है जिसमें हमने देखा है कि गॉडेस हिकाटे ने ब्यूटी मैनिफेस्ट करने में हेल्प की है। किसी शादी फंक्शन में जाना है और हमारी सबकी ये कोशिश रहती है कि शादी में जब हम रेडी हों, तैयार हों, तो हम बहुत खूबसूरत लगें, बहुत अच्छे लगें। उसके लिए हम न जाने कितने कितनी चीज़ें करते हैं, राइट, न जाने कितना पैसा वेस्ट करते हैं, वेस्ट नहीं कह सकते, हाँ स्पेंड करते हैं, राइट। पर अभी क्या, कई बार क्या होता है, उतना सब कुछ करने के बाद भी हमारा दिल खुश नहीं होता, हमें वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है खुद को देख के कि हाँ हम उतने अच्छे लग रहे हैं, राइट। उस टाइम पे लगता है कि कुछ ऐसा जादू होता, कुछ ऐसा हो जाता कि हमारा ग्लो और बढ़ता, हमारी फेयरनेस और बढ़ती। अभी यहाँ पे सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस की बात कर रही हूँ मैं, ओके, जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत बार लोग लिखते हैं फिजिकल अपीयरेंस की क्या जरूरत है, अंदर से खूबसूरती होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, लेकिन फर्स्ट इम्प्रेशन तो हमारा जब हम किसी को देखते हैं तभी पड़ता है, राइट। तो अभी हम यहाँ पे फिजिकल अपीयरेंस की बात कर रहे हैं, सेल्फ लव जो मैं बात कर रही हूँ वो यस इंटरनल भी है और हमारी फिजिकल अपीयरेंस भी है, दोनों रहेगी। पर पहले ब्यूटी स्पेल है, तो पहले ब्यूटी स्पेल बता देती हूँ। इसमें आपको 17th या 18th की रात को, रात मतलब जब शाम हो जाए, अंधेरा ढल जाए 7 बजे के बाद, 7:30-8 बजे के बाद, अभी तो गर्मियों का टाइम है तो अंधेरा ऑब्वियसली लेट होता है, राइट। तो जब अंधेरा हो जाए 17th को या 18th को, उस टाइम पे आपको शहद लेनी है। शहद गॉडेस हिकाटे की ऑफरिंग है और ये मैं बहुत सी वीडियो में पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। नाउ गॉडेस हिकाटे के लिए आप शहद लोगे, शहद लेकर के, और शहद एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है अगर मैं बोलूँ हमारी ब्यूटी को एनहांस करने के लिए, राइट। हनी बहुत इम्पॉर्टेंट है, नेचुरल है सबसे पहली बात, और इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे तत्व हैं जो हमारी हमारी स्किन के लिए अच्छे होते हैं, ग्लोइंग फेस के लिए अच्छा होता है। तो साइंटिफिकली भी है और हमारा जो स्पेल के थ्रू हम चल रहे हैं वो भी है, दोनों चीज़ों का कनेक्शन है इसमें। आपने करना क्या है, सिर्फ लेना है शहद। आप शहद एक कटोरी में ले सकते हो, किसी शीशी में ले सकते हो, ओके, या चम्मच में ले सकते हो, जैसे भी लेना है आपने शहद लेना है। करना क्या है, रात को आप एक जगह शांति से बैठोगे, आप फर्श पे बैठो आराम से, और अगर फर्श पे नहीं बैठ सकते तो कोई बात नहीं, आप टेबल चेयर यूज कर सकते हो, आप वहां बकायदा बैठें। बैठने के बाद आप एक छोटा सा प्लेट या बोल लें, कटोरी लें, और दूसरी कटोरी में शहद रहेगा। मैं कटोरी ही यहाँ पे ले रही हूँ, मान लो आपने शीशी में लिया है शहद, आपके पास कोई जार में शहद है तो आप स्पून से लोगे, मतलब दूसरे तरफ आपके पास शहद है आपका, हनी है, और एक तरफ आपके पास खाली कोई बर्तन है, वो खाली प्लेट हो सकता है, कटोरी हो सकती है, जो भी चीज़ें हो सकती हैं, राइट, उसको ले लो। और आपको शहद को धार बना के डालनी है, उस पर शहद
बहुत अच्छे से ड्रिप होता है, हमें पता है शहद की जो धार होती है बहुत अच्छे से आती है। वो धार आपके पास अगर बहुत कम शहद है, सपोज 1 चम्मच ही शहद है, तो कोई बात नहीं, आप 1 चम्मच शहद को ही धार बना के डालते समय ही गॉडेस हेकाटे से प्रे करेंगे दैट गॉडेस हेकाटे मेरी ब्यूटी को एनहांस करो आप। एंड इसके बाद जो आपका चैंट रहेगा, गॉडेस हेकाटे मैजिक बिगिन नाउ, और जब आप ये चैंट करोगे गॉडेस हेकाटे मैजिक बिगिन नाउ, गॉडेस हेकाटे मैजिक बिगिन नाउ, उस टाइम पे आप वो मैजिक वर्ड जब प्रोनाउंस कर रहे हो, तो वही मैजिक आप अपने ब्यूटी में विजुअलाइज कर सकते हो, फील कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है? बिकॉज ये स्पेल वही मैजिक आपके ब्यूटी में देगा, ठीक है? नाउ सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप है वो अब है, जब आपने ये ड्रिप कर लिया, शहद को ड्रिप कर लिया आपने, और ड्रिप करने के बाद आपने गॉडेस हेकाटे से सिंपल सा प्रेयर, दैट गॉडेस हेकाटे, कोई अगर स्पेसिफिक एरिया है आपके आपके पूरे बॉडी में जिसे आप चाहते हो कि ब्यूटीफाई करना, ओके, सी इट्स ओनली अबाउट ब्यूटी, ठीक है? तो स्किन के लिए आप कर सकते हो, हेयर्स के लिए कर सकते हो, अगर कोई पिगमेंटेशन है उसको खत्म करना चाहते हो तो उसके लिए भी कर सकते हो, ठीक है? अपनी होल सोल ब्यूटी के लिए आप कर सकते हो, ठीक है? सो मेरी ब्यूटी एनहांस कर दीजिए, मेरी ब्यूटी और बढ़ जाए, खूबसूरत हो जाऊं मैं, मेरा स्किन ग्लो करे, इस तरह की जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से एक प्रेयर रहेगी। पहले एक लाइन रहेगी रिक्वेस्ट के तौर पे, ना प्रेजेंट ना पास्ट टेंस, व्हेन यू आर प्रेइंग टू डिवाइन एनर्जीज, जब आप किसी भी इस तरह के डिवाइन एनर्जी से प्रे कर रहे हो तो वहां पे कोई अफर्मेशन नहीं, वहां पे सिंपल रिक्वेस्ट प्रेयर्स, प्रेयर्स हैव पावर्स, मैं बार बार बोलती हूँ, प्रेयर्स की, प्रार्थना की अपनी शक्ति होती है, जब हम किसी से प्रार्थना करते हैं और इस तरह के डिवाइन पावर से प्रार्थना करते हैं तो वो दया की भावना से हमारी तरफ देखते हैं और दया करके हमारे ऊपर कृपा करते हैं, तो वो कृपा का कोई पार ही नहीं है, ठीक है? आपने ये लिया, ड्रिप किया, आपने प्रे किया, इसके बाद आप उनका जो चैंट है, जो उनका स्विच वर्ड है वो, या मंत्र है वो आप चैंट करोगे, जो है सिंपल सा, गॉडेस हेकाटे मैजिक बिगिन नाउ, गॉडेस हेकाटे मैजिक बिगिन नाउ। इससे पहले आप ड्रैगन मैजिक बिगिन नाउ, इस स्पेल को शुरू करने से पहले ही आप ड्रैगन मैजिक बिगिन नाउ का चैंट कर लेना कम से कम 11 टाइम्स, इसके बाद ये स्पेल शुरू करना आराम से बैठ करके, इसके बाद आप गॉडेस हेकाटे मैजिक बिगिन नाउ, गॉडेस हेकाटे मैजिक बिगिन नाउ, ये भी 11 टाइम चैंट करना। इसके बाद आप जो शहद आपने गिराया है प्लेट में या बोल में, जो इकट्ठा हुआ है शहद, इस शहद को आप अपने फेस पे अप्लाई करो, ठीक है? क्योंकि सबसे पहला जो एरिया होता है ब्यूटीफाई करने के लिए फिजिकल अपीयरेंस में, वो हमारा फेस ही है, ओके? सो अपने फेस पे इस शहद को अप्लाई करो, और ये जो शहद है ये गॉडेस हेकाटे की ऑफरिंग है। नाउ ये जब आपने गिराया है तो ये उनके ऑफरिंग की तरह हो गया, ये एक प्रसाद है, ठीक है? ऑफरिंग जो हम देते हैं बाद में वो हमें प्रसाद के रूप में मिलता है, तो ये आपको मिला है ब्लेसिंग के तौर पे। अब इस ब्लेसिंग को आप अपने चेहरे पे अप्लाई करो, अप्लाई करने के बाद कुछ देर रखो, जैसे कि हम जनरली कोई मास्क लगाते हैं या कुछ भी, कोई फेस पैक लगा के बैठते हैं, वैसे ही आपको इसको अप्लाई करके थोड़ी देर रखना है, रखने के बाद आप इसे वॉश ऑफ कर लेंगे, वॉश करके खत्म करेंगे। अब सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा कि हमें अपने बालों के लिए करना था, तो क्या बालों में अप्लाई करें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने बालों के लिए किया है, स्किन के लिए किया है, या जो भी पर्पस से अपने ब्यूटी को एनहांस करने के लिए किया है, इसका एप्लीकेशन आपके चेहरे पे ही रहेगा। व्हाई? बिकॉज जब हम इसको ड्रिप कर रहे थे तब हमारी प्रेयर्स इसमें गई हैं, तब हमारा चैंट इसमें गया है, ये एक नेचुरल सब्सटेंस है जिसने इन सब चीजों को एब्जॉर्ब किया है। जब आप इसको अपने चेहरे पे अप्लाई करते हो, वी हैव आर थर्ड आई यहाँ पे, ओके? एंड यस, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड, जो कि सारा का सारा इन सब चीजों को लेगा, ओके? और जब इसको अप्लाई करोगे आप अपने चेहरे पे, तो जब हम अपने चेहरे पे किसी चीज को लेते हैं तो बहुत अच्छे से वो चीज अब्जॉर्ब होती है हमारी पूरी बॉडी में, उसकी फीलिंग आती है, उसका उसकी फ्रेग्रेंस हम ले पाते हैं, हर चीज होता है, ठीक है? सो इसको आप, इसके एप्लीकेशन के बाद आप इसे वॉश आउट कर देंगे, खत्म, ये शहद वहां पे ड्रेन हो जाएगा। अगर क्वेश्चन ये आएगा कि बहुत सारा शहद गिर गया इस तरह से ड्रिप करते समय, तो वो सारे बाकी के शहद का क्या करें हम? बाकी का शहद आप उसको प्लांट्स में, पौधों में, मिट्टी में कहीं पर डाल दीजिए, या फिर उसको ड्रेन आउट कर दीजिए, जैसे भी, लेकिन इसका जो यूसेज है वो सिर्फ और सिर्फ आपके चेहरे पे आके खत्म होगा। सो इट इज अ वेरी इफेक्टिव ब्यूटी स्पेल,
जो आप गॉडेस हिकाटे के नाम से करोगे, ठीक है। जो ब्राइड्स हैं, अगर जिनकी शादियां अलाइंड हैं, वो लोग प्लीज इस स्पेल को जरूर करना। आपके जितने भी ब्यूटी ट्रीटमेंट्स हैं या जो भी आप ले रहे हो, उन सबको अलग हटा करके ये जो करिश्मा करेगा वो आपको खुद नजर आएगा। ओके, सो गॉडेस हिकाटे ने, यस, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं उसके बेसिस पे ही ये स्पेल है आप लोगों के लिए। सो इट्स नॉट कि इसका कोई रिजल्ट नहीं है, इसके रिजल्ट्स पहले मिल चुके हैं तब ये है। और अभी का जो न्यू मून आ रहा है ये वैसे भी एंसेस्टर्स के लिए, जो हमारे पितृ होते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हो सके तो हो पोनो पोनो प्रेयर रात में जरूर करिए, अपने सारे एंसेस्टर्स को याद करते हुए। उनको याद करके हवाइन प्रेयर करो, काफी हेल्पफुल रहेगा आपकी लाइफ में, आपके कार्मिक अकाउंट्स को खत्म करने में। साथ में ही उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी, और ब्लेसिंग जब हमारे एंसेस्टर्स के पितरों की मिल जाती है ना, तो लाइफ में फिर ब्लॉकेजेस, रुकावटें, या कोई काम नहीं बन रहा, या हेल्थ इश्यूज हैं, या फिर शादियों के मामले में सबसे ज्यादा एंसेस्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जो रिलेशनशिप वाले हैं ना, वो इस अमावस्या को भूलना मत, इस अमावस्या को और कुछ करो ना करो, ये ब्यूटी स्पेल तो जरूर करना। और सेल्फ लव के लिए, यस, सेल्फ लव के लिए जो मैं बता रही थी, प्लीज सेल्फ लव के लिए कुछ अफर्मेशंस आप लिखो एक प्लेन पेपर पे अपने लिए, और गॉडेस हिकाटे को उसको डिनोट करो। एक लेटर टाइप में आप लिख सकते हो, टू गॉडेस हिकाटे, आई लव माई सेल्फ, आई एम इन डीप लव विथ माई सेल्फ, आई लव माई बॉडी, आई लव माई फिजिकल अपियरेंस, आई लव माई हेयर, आई लव माई स्किन, आई लव माई एंटायर फीचर्स, आई लव माई सेल्फ। अपने बारे में जितना लिखना है आपको, आपको खुद से किस किस चीज को लेके प्यार है, ठीक है, आपको अपनी काइंडनेस, अपने हार्ट, अपने केयरिंग नेचर को लेकर के, आप अपने नेचर को भी स्पेसिफाई कर सकते हो, और वो लेटर आप गॉडेस हिकाटे को लिखोगे। वो लेटर का करना क्या है आपको, रात में लिख करके तो उसे अपने सर के नीचे सिरहाने रख के आप सो जाइए, सुबह उसको लेकर के उठिए, उसको आप अगेन किसी मिट्टी में दबाइए, या फिर उसे आप फाड़ के डिस्पोज ऑफ कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। ओके, सो आप उसे जला भी सकते हो चाहो तो, कोई इश्यू नहीं है उसमें, कैसे भी करके उसे आपको डिस्पोज कर देना है, नेक्स्ट मॉर्निंग वो आपके पास नहीं रहना चाहिए। व्हाई? बिकॉज ये जो चीजें आपने लिखी है गॉडेस हिकाटे को, ये एक उनको आपने ये चीजें बताई हैं दैट आप सेल्फ लव में हो, और जो वो लोग सेल्फ लव में होते हैं पूरी तरह से एनर्जीज उनके लिए सुपर पावरफुल हो जाती हैं, और सबसे पहले आकर के वर्क करनी शुरू करती हैं। ओके, सो सेल्फ लव के लिए तो ये है। सेकंड, यस, एंसेस्टर्स के लिए आप लोग अपने अपने हो पोनो पोनो प्रेयर जरूर करिए, अपने एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग लीजिए। रिलेशनशिप वालों के लिए मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, बाकी सबके लिए भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एंसेस्टर्स के ब्लेसिंग्स, पितरों की कृपा सबको चाहिए, बिना उनके कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ओके, सो 17 और 18 दोनों दिन भी कर सकते हो, दोनों दिन करोगे तो और भी अच्छी बात है। दोनों दिन में नहीं हो पा रहा है तो कम से कम 17 या फिर 18 एक दिन तो जरूर करना, ये तीनों चीजें जो मैंने आपको बताई हैं। ओके, सो न्यू मून पे इस बार ब्यूटी के लिए, सेल्फ लव के लिए, साथ में अपने पितरों के ब्लेसिंग्स के लिए, ये तीन काम आपको करने ही करने हैं। सो आई होप इस न्यू मून पे आपको पूरी ब्लेसिंग्स मिले अपने एंसेस्टर्स के भी और गॉडेस हिकाटे के भी। सो दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस।